कर्नाटक इलेक्शन में जबरदस्त अक्सरियत से जीत के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला वजीर आला कौन होगा। बेंगलुरु के कांग्रेस ऑफिस में मुनक्कदा लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में फैसला नहीं हो सका कि किसके सर सजेगा वजीर आला का ताज, सिद्धरामैया, डी के शिवकुमार या किसी तीसरे शख्स के सर। मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि आखिरी फैसला कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। फिलहाल सिद्धरामैया और डी के शिवकुमार वजीर आला की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं और दोनों दिल्ली का रुख कर चुके हैं। मीटिंग में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो साबिक सदर सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वजीर आला का नाम ऐलान करेंगे। दोनों लीडरों के हामियों ने ज़मीन पर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ऑफिस के बाहर खूब नारे लग रहे हैं। अलबत्ता खबर ये आ रही है कि हलफ बरदारी जुमेरात यानी 18 मई को होगी। एक तरफ डी के शिवकुमार के हामी पोस्टर लगा रहे हैं जिसमें जोर दे रहे हैं कि वो इस बार वजीर आला बने, वहीं दूसरी तरफ सिद्धरामैया के बेटों ने कहा कि वो अपने वालिद को दोबारा वजीर आला बनते देखना चाहते हैं। यानी दोनों तरफ अजायम का ज़बरदस्त टकराव है। अब ताज किसको मिलता है इसका फैसला होना बाकी है। शिवकुमार और सिद्धरामैया पीर की सुबह दिल्ली तलब किए गए हैं जिसके मुताबिक दोनों दिल्ली पहुंच चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला और के सी वेणुगोपाल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि पीर को ही वजीर आला का नाम ऐलान कर दिया जाएगा। तोखा है कि कांग्रेस जल्द ही वजीर आला के नाम पर मोहर लगा देगी। इस सब के दरमियान कर्नाटक में पार्टी के सीनियर लीडरान डी के शिवकुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैंने पार्टी के लिए कई कुर्बानियां दी हैं, इसके माने साफ हैं कि वो वजीर आला के मजबूत दावेदार हैं। दूसरी जानिब मुसलमानों की तरफ से भी इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि कम अज़ कम 5 अराकीन असम्बली को विजरा का अहदा दिया जाए और एक MLA को DCM बनाया जाए। हालांकि इस दौड़ में जमीर अहमद और यूटी खादर दोनों ही शामिल हैं। यूटी खादर सीनियर लीडर होने के साथ साथ पार्टी के सीनियर अहदों पर भी फायज रह चुके हैं, जबकि जमीर अहमद साबिक रियासती वजीर रहे हैं और इनके हामियों का भी बड़ा हलका इस बात का मुतालबा किया जा रहा कर रहे हैं कि उन्हें DCM बनाया जाए। देखना यह है कि इस सिलसिले में पार्टी हाईकमान क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।